उत्तराखंड में कोटद्वार पौड़ी हाईवे पर लैंसडाउन वन प्रभाग के जंगल से निकलकर एक टस्कर हाथी ने हाईवे पर जमकर उत्पात मचाया। हाथी ने लोगों के पीछे दौड़ लगाई, यात्री जान बचाने के लिए गाड़ी छोड़कर भागने लगे। वन कर्मियों ने हवाई फायर कर किसी प्रकार हाथी को जंगल में खदेड़ा। इस दौरान करीब एक घंटे तक हाईवे पर यातायात बाधित रहा। दोपहर में अन्य दिनों की तरह ही कोटद्वार से दोगड्डा के बीच हाईवे पर यातायात सामान्य रूप से चल रहा था, तभी कोटद्वार से पांचवें मील के पास जंगल से निकलकर एक विशालकाय हाथी यातायात के बीच धमक गया। हाथी को नजदीक आता देख गाड़ी चला रहे लोगों के होश उड़ गए। उन्होंने आनंद फानंद में गाड़ियों को बैक कर किसी तरह हाथी से दूरी बनाई। कुछ देर तक हाथी हाईवे के बीच यूं ही खड़ा रहा। इस दौरान सड़क के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। कुछ बाइक सवारों और लोगों ने हाथी की फोटो लेने के लिए उसके करीब जाने की कोशिश की। गुस्साए हाथी ने उनके पीछे दौड़ लगा दी। हाथी के हाईवे पर दौड़ते ही वहां पर मौजूद लोगों में भगदड़ मच गई। लोग अपनी गाड़ियों को छोड़कर भागने लगे, लेकिन कुछ दूर दौड़ने के बाद हाथी रुक गया। तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। सूचना पर वन कर्मियों के साथ पहुंचे फॉरेस्ट गार्ड ने वन कर्मियों के सहयोग से लोगों को पीछे हटाकर हाथी के लिए जंगल में निकलने का रास्ता बनाया। इसके बाद हवाई फायर कर किसी तरह हाथी को जंगल की ओर खदेड़ा गया। इसके बाद ट्रैफिक वहां बहाल हो पाया। ब्यूरो रिपोर्ट, राय शुमारी।